किराए पे लेके चलती हूँ, जो लखनऊ में 80 साल पुरानी शॉप है, और जाके गोलगप्पे खा के ना आप भी दीवाने हो जाएंगे। मेरे तो फेवरेट है ही है। खैर, उसके अलावा यहाँ की चाट बड़ी फेमस है, और धनिया वाले आलू तो आपको पुराने लखनऊ में ही मिलते होंगे अमीनाबाद जब जाते होंगे। उसके अलावा भी एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली है जहाँ पे आपको धनिए के आलू मिलेंगे भाई साहब विद पापड़ी। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पीछे देखो इसलिए मैं हर जगह जाके खिला के आपको बताती हूँ। ये पहला पानी जो मैंने दिया ये नींबू का है, नींबू का पानी है। ये दूसरा पानी हिंग का है, ये एक बार मैं बोलूंगी कि दिखा दो। ये जो पानी है यहाँ का, ये स्पेशल पानी है, ये प्योर हींग से है। और ये हींग के बारे में सुना है कि बहुत अलग जगह से आप हींग मंगाते हैं, हाथरस से आती है, वहाँ से आती है। और इसकी खासियत ये है, देखिए ये गोलगप्पा लखनऊ में हर जगह मैंने गोलगप्पे खाए हैं, पर इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हींग का कहीं पे नहीं मिला है। 40,000 रुपए किलो, और जो ये हींग आती है बता रहे 40,000 रुपए किलो हींग है जिसको मिक्स करते हैं। इसीलिए यहाँ पे गोलगप्पे का प्राइस भी रखा है, 10 रुपए की 4 गोलगप्पे मिलते हैं। अब और भी इसके अलावा बहुत सारे पानी हैं, देखिए 4 तरह का पानी है। ये कौन सा है? ये खट्टा मीठा पानी है, ये खट्टा मीठा पानी है, ये खट्टा मीठा पानी है यहाँ का। और कहते हैं कि गोलगप्पे नुकसान नहीं करेंगे आगे अगर कोई खा लेता है, और खाने के बाद इतना लाइट फील हो रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है कि मन करता है और खाते जाए और खाते जाए। ये है कौन सा पानी है? ये खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। तो आप ये खा के ना ऐसे बढ़िया फील कर सकते हैं, अगर आपको बैठे बैठे घर में मजा नहीं आ रही है तो भाई हमें तो मजा आ रही है। उसके अलावा इतनी सारी वैरायटी है, चाट भी मिलेगी, धनिया आलू भी मिलेगा, और गोलगप्पे तो ये वाले हमने गोलगप्पे खा लिए। अब बारी आ गई है दही वाले गोलगप्पे खाने की। तो ये एक प्लेट में लगाते हैं, 4 पीस होते हैं, उसमें क्या क्या मिलाते हैं? हम लोग चटनी डालते हैं, मसाले हैं, और चाट मसाला है, हाँ। और दही ऊपर से डालते हैं, धनिया है और सेव वगैरह। तो ये हमारे लिए बन रहे हैं दही वाले गोलगप्पे, जिसको बड़ा करवाएगा, मटर लगा रहे हैं, और प्याज का मतलब मटर में प्याज नहीं डालते हैं हम लोग, प्याज लहसुन यूज ही नहीं करते, यूज ही नहीं करते हैं। उसके अलावा बिल्कुल ऐसे आपको खाने को मिलेगा, यूज ही नहीं किया। अच्छा, आपके यहाँ की इतनी स्पेशल ये बात है कि यहाँ पे बिल्कुल भी प्याज और लहसुन यूज नहीं होता है। उसके अलावा टेस्ट की बात करें तो भाई साहब विदाउट प्याज और लहसुन मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसा टेस्ट मिलेगा जैसा मुझे अभी टेस्ट मिला है। तो अभी हमारे लिए गोलगप्पे बन रहे हैं यहाँ पे। ये काला नमक हमारा, अच्छा पहले डाला आपने मटर, मटर के बाद मीठी चटनी, फिर उसके साथ काला नमक। ये देखिए ये हमारा चाट मसाला, और ये है चाट मसाला।
आपने देखा होगा लोग दही चटनी बनाते होंगे तो वो सिर्फ दही डाल देते हैं, मटर डाल देते हैं, जलेबी में चटनी ऐसे बुरा देते हैं और मसाला डाल देते हैं, मगर हमारा नहीं है प्रॉपर। आप हर एक गोलगप्पे में मसाले डाल रहे हैं और ये इसके ऊपर दही मिला रहे हैं। अभी ये रवे मैदे के तो हैं, ये खाली रवे से तो ये अभी उसके ऊपर सेव लगा रहे हैं। ये बन के तैयार हो गए, ये बन के तैयार हो गए हैं। अभी से हम खाएंगे और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो मैं और शिवा आ गए, अभी ये गोलगप्पे ट्राई कर रहे हैं, है ना? स्टार्ट कर दे, कैसे लग रहे हैं बताओ? मेरा तो एंड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यमियस। लेकिन मैं बुकर से अभी बोल रहा था कि बड़ा मुँह बड़ा पेट होने का फायदा ऐसे ही मौकों पर खाए। तेज हंसी आ रही थी, शिवा ने बोला है कि पेट बड़ा होने का जो फायदा है, तो शिवा हर जगह जाता है, लोगों को लगता है कि मैं खाती हूँ, मैं उतना नहीं खाती हूँ, तो शिवा खाता है, तो सारा पेट शिवा के पेट में जाता है। इसके अलावा टेस्ट कैसा लगता है? तो अभी हम चाट बनवाने जा रहे हैं, तो हमने जो चाट बना रहे हैं इनसे तो बात कर लेते हैं कि भाई आप कितने टाइप से हैं? आप कितने टाइप से हैं यहाँ पे? हम यहाँ आपके लिए तीन साल से मतलब बकायदा आप लोगों को चाट बनाते हैं। चाट के अलावा इसमें क्या क्या है? साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है यहाँ पे, और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल भी प्याज, चाट में भी प्याज नहीं रहता है, इसमें भी आलू की टिक्की में भी आपको प्याज नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लखनऊ में बहुत बोलते रहते हैं बिना विदाउट प्याज जैसे वाली ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ आप खा के ट्राई करें, तो यहाँ आइए और टेस्ट की गारंटी मैं ले रही हूँ। भाई मज़ा आ रही है मुझे, तो फटाफट एक चाट हमारे लिए लगा दीजिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मेरे पे आपको दही बड़ा मिल जाएगा 40 का हाफ, 70 का फुल, मटर सोहल मिल जाएगी 40 रुपए में, और धनिया आलू मिलेगी 20 रुपए में हाफ और फुल 40 रुपए में, आलू टिक्की यहाँ पे 30 रुपए की हाफ प्लेट, फुल प्लेट 50 रुपए की है, दही चटनी वाले गोलगप्पे जो कि 4 पीस देते हैं वो 30 रुपए में है, और मटर इनकी मिलेगी 30 रुपए में हाफ। तो रेट वाइज अगर आप देखना चाहेंगे, अगर आप क्वालिटी अच्छी खाना खाने की तलाश में, तो ये जगह उनमें से एक जगह है जहाँ पे आप इतना भी पैसा नहीं है, मुझे लगता है आपकी जेब में अगर 100 रुपये तो आप बढ़िया बटपेट यहाँ पे चीज़ों को खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे की दही बड़े भी हैं यहाँ पे, तो हम जा रहे हैं दही बड़े भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इतना तीखा तीखा खा लिया है, अब मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का। तो भैया हमने मंगा लिया यहाँ पे अपने लिए दही बड़े जो कि बहुत बड़े हैं, मुझे हंसा रहा है वीडियो के टाइम में, दही बड़े जो कि बहुत बड़े हैं, इतने बड़े मुंह में आए नहीं दही बड़े। इतना तीखा खाने के बाद ये मीठा खा के कैसा लग रहा है? जन्नत मिल गई। अगर लखनऊ में रहते हैं आप, चाट के शौकीन हैं, आपको बहुत देसी स्टाइल वाली चाट चाहिए, तो यहाँ पे एक बार जरूर आइएगा। ओवरऑल भैया ये जगह मेरी फेवरेट हो गई है पूरे लखनऊ में, भाई एक नंबर, गोलगप्पे, दही के बड़े, धनिया के आलू और चाट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मतलब शाम वाला नाश्ता आपको यहाँ आके जरूर करना चाहिए। यहाँ पे टाइमिंग पूछ रही थी, यहाँ की टाइमिंग क्या है एक बार बता दीजिए? 4 से 11, शाम को 4 बजे ओपन हो जाता है, रात को 11 बजे तक। और लोकेशन क्या लगती है यहाँ पे? ऐशबाग वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग में वाटर वर्क्स रोड, और यहाँ की लोकेशन गूगल पे भी है, गूगल मैप पे भी है, और प्राइस आपको मैंने दिखा दिया है, टाइमिंग भी बता दिया है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई ना तो भर भर के अपने दोस्तों में शेयर करो, और ऐसे ही देसी कॉन्टेंट के लिए हमें फॉलो करते रहो। हम मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक जाओ ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दो जिन्हें लखनऊ के गोलगप्पे और चाट बड़ी पसंद है, वो भी देसी स्टाइल वाली। हम मिलेंगे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।